शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 10 दैट इज मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड का मेजर दिया हुआ है 8 मीटर। तो क्या होता है हेक्सागन? सबको पता है ये सिक्स साइडेड पॉलीगन होता है। सिक्स साइडेड पॉलीगन, इसी को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं। ऐसा पॉलीगन जिसकी सिक्स साइड होती है उसको हम लोग हेक्सागन बोलते हैं। और इसके आगे एक वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब है? तो रेगुलर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हेक्सागन की बात हो रही है, हेक्सागन में सिक्स साइड्स हैं, तो जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। रेगुलर का मतलब है कि सारी साइड जो है उनकी लेंथ इक्वल है। तो लिखिए ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब हुआ कि एक सिक्स साइडेड पॉलीगन है जिसकी सारी साइड इक्वल है और हर एक साइड का मेजर कितना है? 8 मीटर। तो चलिए सबसे पहले हम रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, फाइव साइड एंड सिक्स साइड। ठीक है, ये बन गया रेगुलर हेक्सागन। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। अगर मैं इसकी एक साइड को ए बोलूं, ठीक है, तो इसकी सारी साइड ए होगी क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखिए यहां पे लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखिए लेट ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन बी ए। मैंने मान लिया कि रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड ए है, ठीक है, और हर एक साइड का मेजर कितना है? 8 मीटर। मीन्स ए की वैल्यू दी है 8 मीटर। तो यहां पे लिखिए सो ए इज इक्वल्स टू 8 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। तो लिखिए यहां पे नाउ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सिक्स टाइम्स ए है ना, सिक्स टाइम्स ए। पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागन का क्या होगा? सिक्स टाइम ए। और ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू है 8 मीटर। तो यहां मैं ए की जगह लिख दूंगी क्या? 8 मीटर। 8 × 6 = 48 मीटर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मीन्स फॉर्मूले से। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन होता है 6 × a। a का मतलब है साइड, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहां पे आप डायरेक्ट फिगर बनाइए, ऐसे एक हेक्सागन बनाइए जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए सारी साइड का मेजर दिया है 8 मीटर। तो आप लिखिए 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 8 मीटर, ऐसे लिखते जाएंगे 8 मीटर प्लस 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 8 मीटर। यही तो होता है पेरीमीटर, सारे साइड्स का सम। तो मैंने वही किया है। अब सबको ऐड करिए तो 8 8 8 8 8 8 सिक्स टाइम्स है ना, ये हो जाएगा 6 × 8 मीटर इज इक्वल्स टू 48 मीटर। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लिख लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।